व्हाट्सअप गाइस, स्लमी ब्रा हियर। और आज हम लोग देखेंगे दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट को मर्ज कैसे किया जाए और फाइनल लिंक लिस्ट भी सॉर्टेड होना चाहिए। तो इसके लिए हमारा C++ का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके हेल्प से हम लोग समझेंगे इसका लॉजिक क्या है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे दो लिस्ट हमें दिया हुआ है, सॉर्टेड लिस्ट 5, 10, 15 एंड B 2, 6, 20। ठीक है, ये दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट हमें दिया हुआ है और हमें फाइनल हमारा लिंक लिस्ट आना चाहिए 2, 5, 6, 10, 15, 20। तो ये हमारा फाइनल आना चाहिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इस कोड के हेल्प से कि इसका लॉजिक कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें डमी नोड बनाएंगे। डमी नोड क्यों बना रहे हैं वो आपको आगे चल के पता चलेगा। तो डमी नोड का कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ 0 दिया है, इसका कोई यूज़ नहीं है इसका वैल्यू का। तो आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने डमी नोड बनाया और उसका वैल्यू 0 दे दिया। और डमी नोड का नेक्स्ट में अभी नल है। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंटर है जो अभी डमी नोड को पॉइंट कर रहा है और डमी नोड भी अभी यहीं पर पॉइंट कर रहा है। तो ये लास्ट पॉइंटर हमारा यूज़ होगा जब भी कोई एलिमेंट ऐड होगा, तो लास्ट पॉइंटर वहाँ पे चल जाएगा ताकि हमें पता चलेगा कि इस फाइनल लिस्ट का लास्ट पॉइंटर कहाँ पे है। तो कुछ भी ऐड करने में इजी होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला कंडीशन, ए नल नहीं है, बी भी नल नहीं है, तो हम लोग वाइल के अंदर आएंगे और फिर चेक करेंगे किसका डेटा कम है। तो ए का डेटा लेस देन बी का डेटा, जो कि नहीं है। बी का डेटा लेस है, तो हम लोग एल्स में आएंगे। तो लास्ट नेक्स्ट में बी डाल देंगे क्योंकि इसका डेटा कम है, तो ये पहले आना चाहिए। तो हम लोग लास्ट का नेक्स्ट में नल 2 डाल देंगे। ठीक है, 2 को पॉइंट करेंगे और फिर बी हमारा बी नेक्स्ट हो जाएगा क्योंकि 2 हम लोग ले चुके हैं। तो बी अब उसके नेक्स्ट को पॉइंट करेगा यहाँ पे। ठीक है, और क्योंकि लास्ट में अब यहाँ पे लास्ट पॉइंटर पॉइंट करना चाहिए, तो लास्ट इक्वल टू लास्ट नेक्स्ट, लास्ट अब यहाँ पे पॉइंट करेगा। तो लास्ट हमेशा लास्ट वाले नोड को पॉइंट करेगा जिससे हमें पता चल जाएगा यहाँ पे ऐड करना है। तो अब हम वाइल लूप के अंदर फिर से आएंगे, ए एंड बी नल नहीं है, तो फिर से हम लोग चेक करेंगे किसका डेटा छोटा है। तो यहाँ पे ए का डेटा छोटा है, तो हम लोग इसके अंदर आएंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले लास्ट के नेक्स्ट में इसका डेटा डाल दो 5। ठीक है, और ए को ए के नेक्स्ट पे पॉइंट करो। ठीक है, और लास्ट इक्वल टू लास्ट नेक्स्ट कर लो। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कैसे ये सॉर्टेड फॉर्म में यहाँ अरेंज हो रहा है। सबसे पहले 2 आया, फिर 5 आया, फिर 10 एंड 6 में हम लोग कंपेयर करेंगे कौन सा डेटा छोटा है। तो यहाँ पे 6 छोटा है, तो हम लोग एल्स में आएंगे। तो लास्ट नेक्स्ट इक्वल टू बी को पॉइंट करेगा, तो यहाँ 6 आ जाएगा। और बी हमारा बी के नेक्स्ट को पॉइंट करेगा फिर, और लास्ट हमारा लास्ट नेक्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से हम लोग वाइल लूप के अंदर आएंगे, फिर से हम लोग कंपेयर करेंगे ए और बी में कौन सा छोटा है। तो ए छोटा है, तो 10 को यहाँ पुश करेंगे, ए हो जाएगा हमारा ए नेक्स्ट, लास्ट हो जाएगा हमारा लास्ट नेक्स्ट। फिर से ए एंड बी में कंपेयर करेंगे, तो ए हमारा छोटा है, तो 15 आ जाएगा यहाँ पे। लास्ट इक्वल ए इक्वल टू ए नेक्स्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 के नेक्स्ट में नल है, तो ए अब नल को पॉइंट करेगा और लास्ट इक्वल टू लास्ट नेक्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग व्हाइल लूप नहीं चलाएंगे क्योंकि अब ए इक्वल टू नल हो गया है, तो हम लोग वाइल लूप के अंदर नहीं आएंगे। फिर हम लोग चेक करेंगे ए और बी में किसका डेटा हम लोग नहीं लिए। तो ए इक्वल टू नल है, मतलब ए का सारा डेटा हम लोग ले चुके हैं, बी इज़ नॉट इक्वल टू नल है। तो हम लोग यहाँ आएंगे और बी का जितना भी डेटा है इसके बाद सारा को हम लोग लास्ट के नेक्स्ट में ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 20 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये अरेंज्ड फॉर्म में आ गया, सॉर्टेड फॉर्म में फाइनल लिस्ट आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग ने ये दोनों क्यों लिखा है, क्योंकि मान लेते हैं बी के बाद यहाँ
20 के बाद 40 होता, 50 होता, 60 होता। जब हम लोग ए नॉट इक्वल टू नल है, क्योंकि ए का सारा ख़त्म हो गया, ए इक्वल टू नल है, मतलब ए का सारा लिस्ट का डेटा हम लोग ले चुके, बी नल नहीं है, बी अभी यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो बी का इसके आगे जितना भी डेटा है वो पूरा डायरेक्ट हम लोग यहाँ लेना है। तो लास्ट का नेक्स्ट इक्वल टू बी जब करेंगे तो यहाँ पे 40 भी कनेक्टेड है, 50 भी कनेक्टेड है, 60 भी कनेक्टेड है, तो बी के आगे जितना भी डेटा होगा सब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग ये दोनों कंडीशन लिखे हैं। तो अभी के लिए ये कंडीशन हटा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये है, तो अब हमारा ये फाइनल लिस्ट हो गया। लेकिन अब देखो, हमें स्टार्टिंग नोड हमारा डमी नोड है, क्योंकि ये हम लोग बनाए थे, बट हमारा जो एक्चुअल में लिस्ट का हेड होगा वो 2 होगा, क्योंकि जो 2 हमारा लिस्ट था उसमें 2 हेड था, क्योंकि सबसे छोटा वैल्यू 2 है। तो इस डमी नोड को कैसे हटाए, तो उसके लिए हम लोग जो रिटर्न कर रहे हैं वो डमी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डमी यहाँ से स्टार्ट है, डमी के नेक्स्ट को रिटर्न करेंगे, तब वो 2 से स्टार्ट होगा। तो डमी नोड को हम लोग रिटर्न नहीं करेंगे, उसके नेक्स्ट को रिटर्न करेंगे। अब हमने डमी नोड का यूज़ क्यों किया, ठीक है। अगर मान लो ए एंड बी दोनों नल हो जाता, ए भी नल है, लिस्ट ए नल है, बी भी नल है, तो हमारा जो रिटर्न होगा वो फाइनली क्या रिटर्न होगा, ठीक है। अभी इसको एक नया क्वेश्चन मान लो, ए एंड बी दोनों लिस्ट खाली है, जो जो रिटर्न होगा वो नल होगा। तो यहाँ पे डमी नोड सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, फिर डमी में 0 डालेंगे, डमी का नेक्स्ट नल होगा और लास्ट भी यही होगा, ठीक है, और डमी भी यही होगा। तो अब ए एंड बी हमारा दोनों नल है, तो ना ये वाइल लूप चलेगा, ना इफ वाला ये लूप चलेगा, ना ये लूप चलेगा, हम लोग का रिटर्न हो जाएगा डमी का नेक्स्ट। तो डमी का नेक्स्ट क्या है, नल, नल रिटर्न होगा फाइनल, जो कि सही भी है, क्योंकि लिस्ट ए लिस्ट बी दोनों खाली है तो रिटर्न होना चाहिए नल। तो यहाँ पे हमारा नल रिटर्न होगा। तो अगर आप डमी नोड नहीं बनाते तो आपको प्रॉब्लम होता नल को रिटर्न करने के लिए, आपको एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ता जो यहाँ पे लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको डमी नोड बना लेना चाहिए, उसके बाद उसके नेक्स्ट वाले पॉइंटर को रिटर्न कर देंगे, तो वो हमारा फाइनल लिस्ट का हेड हो जाएगा। तो यहाँ पे होता है हमारा कोड कंप्लीट। अब देख लेते हैं इसका कोडिंग कैसे करना है, और वो रन करके भी देख लेते हैं कि हमारा कोड सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा कोड है, सबसे पहले हम लोग ए एंड बी दो लिस्ट बनाए हैं, दोनों में डेटा पुट किए 15, 10, 5, और डेटा इस हिसाब से पुट किया है कि ये सॉर्टेड फॉर्म में होगा। तो 15 पुश किए, फिर 10 पुश किए हेड में, फिर 5 पुश किए, तो 5 ऊपर आ जाएगा, तो 5, 10, 15 होगा ए में, बी में हो जाएगा 2, 6, 20, ठीक है। उसके बाद हम लोग सॉर्टेड मर्ज को कॉल किए, जो हमें रिटर्न करके देगा जो हेड वैल्यू होगा फाइनल लिस्ट का, तो उसको रेस में स्टोर किए, ठीक है। यहाँ पे नोड रेस होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंट किए जो हमारा फाइनल आउटपुट आएगा, और यहाँ पे हमारा नोड क्लास है, डेटा नेक्स्ट, फिर सॉर्टेड मर्ज, ये वही वाला फंक्शन है जो यहाँ पे हम लोग का है, सेम फंक्शन है। उसके बाद हमारा पुश हो गया डेटा को पुश करने के लिए, प्रिंट हो गया डेटा को प्रिंट करने के लिए, तो हमारा ये इनपुट है। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारा फाइनल आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमारा ये आउटपुट आना चाहिए 2, 5, 6, 10, 15, 20, जो कि सॉर्टेड फॉर्म में है, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो हमारा फाइनल आउटपुट आ रहा है 2, 5, 6, 10, 15, 20। तो ये दोनों लिस्ट, लिस्ट ए एंड लिस्ट बी मर्ज हो गया, वो भी सॉर्टेड फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारा होता है कोड कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और मैं ऐसे वीडियो और भी लाने वाला हूँ इसके रिलेटेड, डेटा स्ट्रक्चर के रिलेटेड, तो नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।